बंटवारे में भारत और पाकिस्तान को क्या क्या मिला, किसने किया था जिन्ना के टू नेशन थ्योरी का विरोध, कर्जे का कितना हिस्सा भारत को चुकाना पड़ा, किसके हिस्से आई सोने की ईंट। देश में आंदोलनों का दौर चला था, देश के लोगों को आजादी की खुशबू आने लगी थी, लेकिन पेज एक जगह फंसा हुआ था, वो थी जिन्ना की मांग। जिन्ना की मांग एक नए मुल्क की थी, लेकिन उस समय के कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी ने मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना की इस मांग का पुरजोर विरोध किया, लेकिन वो सफल नहीं हुए और अंत में गांधी जी ने जिन्ना के टू नेशन थ्योरी को स्वीकार कर लिया। भारत की आज़ादी से करीब 2.5 महीने पहले तय हो गया था कि देश दो हिस्सों में बंटने जा रहा है। वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को आकाशवाणी से विभाजन की घोषणा की, जब तय हो गया कि भारत का विभाजन होगा और पाकिस्तान के नाम से नया मुल्क बनेगा, तो बंटवारे की शर्तें और दस्तावेज तैयार करने का जिम्मा दो लोगों को मिला। दोनों एक जैसे सरकारी बंगले में रहते थे, एक जैसी शेवरले गाड़ियों से दफ्तर जाते थे, सैलरी भी एक जैसी थी और उनके दफ्तर के बीच महज चंद कदम की दूरी थी। एक शख्स हिंदू था तो दूसरा मुसलमान। भारत की ओर से विभाजन के कागजात तैयार करने का जिम्मा जिस शख्स को मिला उनका नाम था H.M. पटेल और पाकिस्तान की ओर से ये जिम्मेदारी चौधरी मोहम्मद अली को मिले। अब आइए जानते हैं कि कैसे हुआ भारत और पाकिस्तान की संपत्तियों का बंटवारा और किसको क्या मिला। इतिहासकार डोमिनिक लापियर को लैरी कॉलिंस अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखते हैं कि बंटवारे के दौरान सबसे ज्यादा तूतू मैमे पैसे को लेकर हुई। झगड़ा इस बात पर था कि कांग्रेस ने $5 अरब जो भारी भरकम कर्ज ले रखा है उसका क्या होगा, उसे कौन चुकाएगा। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने लेकर तमाम सरकारी बैंकों में रखी नकदी और RBI के तहखानों में रखी सोने की ईंटों का भी बंटवारा होना था। कई दिन के मोल तोल के बाद जब कोई नतीजा नहीं निकला तो H.M. पटेल और मोहम्मद अली को सरदार पटेल के घर एक कमरे में बंद कर दिया गया। अब जानते हैं कि अंग्रेजों के कर्जे का क्या हुआ। इतिहासकार डोमिनिक लापियर और लैरी कॉलिंस अपनी किताब में लिखते हैं कि जब तक वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाते हैं तब तक उस कमरे में ही बंद रहेंगे। आखिरकार कई दिनों की सौदेबाजी के बाद दोनों ने रास्ता निकाला। तय हुआ कि बैंकों में जो नकदी जमा है उसका 17.5% हिस्सा पाकिस्तान को मिलेगा और भारत के कर्ज का 17.5% हिस्सा भी पाकिस्तान चुकाएगा। इसके अलावा ये भी तय किया गया कि भारत की चल संपत्ति का 80% भारत के हिस्से में आएगा और 20% पाकिस्तान को मिलेगा। लापियर और कॉलिंस लिखते हैं कि विभाजन के दौरान ऐसी छोटी छोटी चीजों का बंटवारा हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, जैसे मेज, कुर्सियां, हैट टांगने की खूंटी, किताब रखने की अलमारी, टेबल लैंप, पंखे, टाइपराइटर, कलमदान और यहाँ तक कि कमोड भी बांटे गए। अब हम जानते हैं कि रेल का बंटवारा कैसे हुआ। लापियर और कॉलिंस लिखते हैं कि बंटवारे के दौरान दो और चीजों को लेकर झगड़ा हुआ। पहला, समुद्र में मारे गए जहाजियों की विधवाओं को पेंशन कौन देगा, क्या सारे मुसलमान विधवाओं को चाहे वो भारत में हो या पाकिस्तान में पेंशन का जिम्मा पाकिस्तान का होगा। फिर पाकिस्तान में रहने वाली हिंदू विधवाओं को पेंशन कौन देगा। दूसरा विवाद रेल लाइन को लेकर हुआ। भारत की 26,421 मील लंबी रेल लाइन को कैसे बांटा जाए, इस पर कोई राय ही नहीं बन पा रही थी। आखिरकार तय हुआ कि 7,112 मील रेल लाइन पाकिस्तान को मिलेगी। इसके अलावा रेलगाड़ी और मालगाड़ी के डिब्बों को 80 और 20 के अनुपात में बांटा गया।